नमस्कार, मी फेरोज बनियार। आपण पाहायला सुरुवात केली आहे जनतेचे मत लाईव्ह। पाहुयाच्या ठळक घडामोडी। लातूर शहरामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी तहसील कार्यालयासमोर मुस्लिम समाजाच्या लाक्षणिक उपोषण लातूर शहरातील मुस्लिम समाज बांधवांनी आज केला। मुस्लिम समाजाला आरक्षणासोबत संरक्षण मिळावे या मागणीसाठी रंगनाथ मिश्रा कमिशन, सच्चर कमिशन, डॉक्टर महमूदुर रहमान कमिशन यादी आयोगांचे अहवालानुसार मुस्लिम समाजाला आरक्षण, शैक्षणिक, राजनैतिक व सुरक्षा देण्यात यावी या मागणीसाठी लातूर शहरातील मुस्लिम कार्यकर्त्यांनी तहसील कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले व तसेच महाराष्ट्रात चालू असलेल्या मराठा व धनगर समाजाला पण आरक्षण मिळावे यासाठी आमचा जाहीर पाठिंबा आहे असे आंदोलकांनी म्हटले आहे। 10 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाच्या वतीने जेल भरो आंदोलन होणार असल्याचीही यावेळी माहिती मुस्लिम समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिली। मराठा आरक्षणासोबत मुस्लिमांना जर आरक्षण मिळाले नाही तर आम्ही एकही लोकप्रतिनिधी रस्त्यावर फिरू देणार नाही असा इशारा सकल मुस्लिम बांधवांच्या वतीने देण्यात आला। ब्युरो रिपोर्ट, जनतेचे मत, लातूर। आज हम महाराष्ट्र जनएकता की संघटना की ओर से मुस्लिम समाज को जो तकलीफें हो रही हैं अखे हिंदुस्तान में और मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं मिलने की वजह से तकलीफें हो रही है, उस सरकार के निषेध में हम आज जनएकता संगठना की ओर से आरक्षण, संरक्षण और शिक्षण, इस मांग को लेकर हमने आज लातूर शहर में एक उपोषण रखा गया है एक दिन का। इस वजह से हम इस सरकार को, इस अंधी भरी सरकार को हम बताना चाहेंगे कि हमारी मांग आप तक, जब तक तुम कटारे नहीं जाओगे तब तक हम हमारी मांग जारी रखेंगे और तुम जब तक हमें आरक्षण नहीं दोगे, संरक्षण नहीं दोगे तब तक हमारी ये लड़ाई चालू रहेगी। और इस सरकार से और जितने भी मंत्री, आमदार, खासदार हैं उनको मैं चेतावनी देता हूँ कड़े शब्दों में कि आने वाले समय में हमारे समाज पे अन्याय, अत्याचार अगर नहीं बंद हो गया और हमें आरक्षण नहीं मिला तो हम आमदार को, खासदार को और मंत्रियों को महाराष्ट्र में फिरने नहीं देंगे। ये जनएकता संगठना की ओर से गवाही देता हूँ और आने वाले समय में इनके आमदार, खासदारों के सामने भीख मांगो आंदोलन चालू रहेगा मुस्लिम समाज की ओर से। ये हमारी चेतावनी ना समझे, हमारी एक इल्तिजा समझे। चेतावनी तो हम दे ही रहे हैं आपको, ये हम आपसे यही इल्तिजा करते हैं। और मैं अपने दो शब्द, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई सालों से मुस्लिम समाज के आरक्षण की बात महाराष्ट्र राज्य में चल रही है और बड़े दुख की बात है कि हॉनरेबल हाईकोर्ट ने मुस्लिम समाज को आरक्षण देना जायज़ है, सही है ये बोलने के बावजूद भी आज तक महाराष्ट्र शासन ने इस पर कोई दखल नहीं लिया। यह हमारे लिए बहुत खेद की बात है। आज महाराष्ट्र जनएकता संगठना की जानिब से यहाँ पर लाक्षणिक उपोषण रखा गया है। इसमें लातूर शहर अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से हम यहाँ पर इनको आज हमने पूरा पाठिंबा दिया है और आगे भी जैसे जैसे आंदोलन होते जाएंगे हम यहाँ पर तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे। हम जैसा कि महाराष्ट्र शासन 2014 में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए 5% आरक्षण दे दिया था और मराठा समाज के लिए 16% आरक्षण दे दिया था, हमारा वही कहना है कि हमारा जो 5% जो आरक्षण हमको दिया गया था वो आरक्षण आगे कंटिन्यू करे और ये हमारा हक है, कानूनी हमारा हक है ये, और ये मुस्लिम समाज को बहुत ही ज़रूरत है। जैसा कि आपको मालूम है कि राजेंद्र सच्चर समिति ने जो अहवाल दिया था उस अहवाल के मुताबिक अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज ये बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, बहुत ही पिछली गणना में, पिछली लाइन में इसकी गणना होती है मुस्लिम समाज की। अभी हमारा जो कुछ भी अभी ये आंदोलन चल रहा है ये लोकशाही मार्ग से चल रहा है और इसके आगे भी अगर महाराष्ट्र सरकार अगर हमारी दखल नहीं लेती है और इस मांग को अगर गंभीरता से नहीं लेते हैं तो हम लोकशाही मार्ग से मोर्चे काटेंगे। सरकार के हर काम को हम लोकशाही तरीके से रोकने का हम कोशिश करेंगे और इसी सिलसिले में आने वाले 10 तारीख को लातूर शहर में जेल भरो आंदोलन रखा गया है और इस जेल भरो आंदोलन को भी हम पूरी तरह से कामयाब करेंगे और उसमें हम पूरा सहभाग लेंगे।